हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस। फंक्शंस इज द मोस्ट एलिमेंट्री ब्रांच ऑफ कैलकुलस, यानी कि फंक्शन बहुत ही बेसिक चैप्टर है कैलकुलस का। कैलकुलस आप नया शब्द मत सुनिए, कैलकुलस असल में और कुछ नहीं, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें चेंजेस के साथ डील की जाती है। कैलकुलस में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, डिफ्रेंशिएबिलिटी, है ना, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। लेकिन उन सभी में जो हमें ज़रूरत है, जो बेसिक है, वो क्या है? फंक्शंस है। अब जो कैलकुलस है, कैलकुलस में हम क्या डील करते हैं? बदलाव के साथ। कैलकुलस फंक्शन किसकी ब्रांच है? कैलकुलस की ब्रांच है। कैलकुलस में हम, कैलकुलस का मतलब क्या होता है? बदलाव। ऐसी मैथमेटिक्स जो कि किसके साथ डील करे? बदलाव के साथ डील करे, यानी कि चेंजेस के साथ डील करे। कैलकुलस के तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया। वैसे लोग कहते हैं कि कैलकुलस के दो ही पार्ट्स हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि कैलकुलस के तीन पार्ट्स हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला डेरिवेटिव्स, दूसरा इंटीग्रल्स। ये लोग अक्सर बताते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा एक और पार्ट होता है, वो है लिमिट्स। यानी कि डेरिवेटिव्स की भी कुछ लिमिट्स होती हैं और इंटीग्रल्स की भी कुछ लिमिट्स होती हैं। जैसा कि मैं फिर से कहूंगा, कैलकुलस एक मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जो कि किसके साथ डील करती है? बदलाव के साथ डील करती है। और वो बदलाव किन बेसिस पे डिवाइड किए गए? एक तो डेरिवेटिव्स, एक इंटीग्रल्स और एक लिमिट्स। अब डेरिवेटिव्स में हम ऐसी चीजों को पढ़ते हैं कि कोई चीज कितनी जल्दी या कितनी तेजी से बदल रही है, कितनी तेजी से बदल रही है, जैसे कि मौसमों का जल्दी जल्दी बदलना, है ना। तो कोई चीज कितनी तेजी से बदल रही है उसको हम किस में पढ़ते हैं? डेरिवेटिव्स में बदलते हैं। कोई चीज कितनी तेजी से बदल रही है? इंटीग्रल जस्ट अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव। इंटीग्रल में कोई चीज कितनी जमा हो रही है, इकट्ठा हो रही है, ना, बहुत सारी चीज मेरे पास जमा हो रही है, उसके लिए मैं क्या पढ़ता हूं? इंटीग्रल्स पढ़ता हूं। अब इन दोनों की ही क्या होती है? कुछ लिमिट्स होती हैं। लिमिट्स क्या करती हैं? जितने भी फंक्शंस को मैं पढ़ूंगा कि उनमें क्या चेंज आ रहा है या उनमें कितना इकट्ठा हो रहा है, उनके कुछ ना कुछ बाउंडेशन होंगे, उन्हें रोकने के लिए ही क्या पढ़ते हैं हम? लिमिट्स, है ना, कि फंक्शन को हम बांध देते हैं कि फंक्शन ना तो इधर जा पाए ना तो उधर जा पाए। तो ये है कैलकुलस की तीन ब्रांच। अब देखिए क्या होता है कि जो तीन ब्रांचें हैं, एफ ऑफ एक्स, मैं लिख रहा हूं एफ ऑफ एक्स यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स, यहां पे भी मैं लिख रहा हूं एफ ऑफ एक्स और मैं यहां पे भी लिख रहा हूं एफ ऑफ एक्स। हमने तीन ब्रांचें कौन कौन सी पढ़ी है, ध्यान से देखिए। पहले तो इंटीग्रल, दूसरा डिफरेंशिएशन और तीसरा लिमिट्स, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, इंटीग्रल किस में बदल सकता है? डिफरेंशिएशन में बदल सकता है। डिफरेंशिएशन किस में बदल सकता है? इंटीग्रल में बदल सकता है। और ये जो लिमिट्स है फंक्शन की, ये इन दोनों के ही ऊपर अप्लाई हो सकती है, इन दोनों को बांधने के लिए। आप देख सकते होंगे स्ट्रक्चर गौर से कि क्या हो रहा है। इंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, या फिर डिफरेंशिएशन को भी कहा जाता है रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन। और ये लिमिट्स क्या करती है? डिफरेंशिएशन के ऊपर भी एप्लीकेबल है और इंटीग्रल्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है। अब गौर से देखिए हमारा कॉन्सेप्ट, हम आज क्या लेके चल रहे हैं कि व्हाट इज ए फंक्शन। ध्यान से देखिए यहां पे क्या लिखा है मैंने, एफ ऑफ एक्स, यहां पे भी क्या आ रहा है एफ ऑफ एक्स, यहां पे भी क्या आ रहा है एफ ऑफ एक्स। तो गौर से देखिए इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और लिमिट्स पढ़ने से पहले हमें पढ़ना क्या होगा? फंक्शंस, की फंक्शंस क्या है। तो आइए देखें कि फंक्शंस क्या है। इसीलिए मैंने कहा कि फंक्शन इज द मोस्ट एलिमेंट्री सब्जेक्ट या फिर चैप्टर ऑफ कैलकुलस। तो अब ये फंक्शंस क्या है? तो दोस्तों फंक्शंस और कुछ नहीं, फंक्शन एक मशीन है जिस मशीन में कुछ इनपुट जाएगा और उस इनपुट के साथ कुछ होगा और बदले में मुझे क्या मिल जाएगा? एक आउटपुट। गौर से देखिएगा, एक इनपुट उस मशीन के अंदर जाएगा, ये इनपुट इस मशीन के अंदर जाएगा और इस इनपुट के साथ इस मशीन के अंदर कुछ भी होगा और बदले में मुझे क्या मिलेगा? एक आउटपुट मिलेगा। मैं फिर से कोई दूसरा इनपुट डालूंगा और उसके साथ भी कुछ होगा और मुझे एक दूसरा आउटपुट मिलेगा। अब यहां पे क्वेश्चन क्या हो रहा है कि इस मशीन के अंदर क्या हो रहा है, इस मशीन के अंदर क्या हो रहा है। तो यदि हम इस मशीन के अंदर के फंक्शन, ध्यान से सुनिएगा, इस मशीन के अंदर के फंक्शन के नियमों को जान पाए, रूल्स को जान पाए,
है ना, और हम ये बता पाए कि इनपुट क्या है, तो हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आउटपुट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि आउटपुट को जान सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि यदि हम मशीन के अंदर के रूल को समझ लें और इनपुट को समझ लें कि क्या जा रहा है मशीन के अंदर, तो हम क्या समझ सकते हैं कि आउटपुट क्या होगा। या फिर इसी का उल्टा बोलूं, हमें मशीन का रूल पता चल जाए और हमें आउटपुट के बारे में भी पता चल जाए, तो हम क्या बता सकते हैं कि उसका इनपुट क्या होगा। और यदि मैं एक और बात कहना चाहूँ कि हमें मालूम हो कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, और इन दोनों से ही यदि हमें एक कॉम्बिनेशन मिल जाए, तो हम बता सकते हैं कि मशीन का रूल क्या है। तो यह है फंक्शन की डेफिनेशन कि हम क्या जानना चाहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा, आइए देखते हैं वो एग्जाम्पल्स क्या है। जैसे कि मान लीजिए हम एक कार्डबोर्ड का बॉक्स बनाते हैं और वो इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें एक आदमी चला जाए ना, एक स्टूडेंट चला जाए, जो भी आप मान लें, उसमें एक स्टूडेंट जाके अंदर आराम से बैठ पाए। इसमें दो खिड़कियां बनाएंगे, उन दोनों खिड़कियों को मैं नाम क्या दूंगा, एक को मैं नाम दूंगा आउटपुट स्लॉट और एक को मैं नाम दूंगा इनपुट स्लॉट, है ना। अब ये स्लॉट्स का मतलब क्या है, कुछ नहीं, ऐसी खिड़की है जिसमें से कोई चीज अंदर आ सके और ये एक और खिड़की है जिसमें से कोई चीज बाहर जा सके। तो अब देखिए क्या करना है हमें। अब मान लीजिए ये जो अंदर स्टूडेंट गया है ना, ये मान लीजिए एक स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट का नाम है अजय। अजय ये स्टूडेंट जैसे इस मशीन के अंदर जाके बैठता है, ये अपने मन में एक रूल डिफाइन कर लेता है, अपने मन में एक चीज सोच लेता है कि मुझे ये चीज करनी है। मतलब क्या कि मान लीजिए एक और यहाँ पे स्टूडेंट है जो किसी का दोस्त है, ये यहाँ पे से एक नंबर, इसने नंबर चुन लिया मान लीजिए 4, इसने क्या चुन लिया, एक नंबर 4। इस नंबर 4 को ये इसके अंदर भेजता है, अंदर पार्सल करता है, वो नंबर इसके पास आता है और ये बदले में यहाँ पे एक और बंदा खड़ा है और वो नंबर इसके पास किस रूप में जाता है, वो नंबर इसके पास जाता है इस रूप में। फिर से ये दूसरा एक और नंबर डालता है और वो नंबर फिर से इसी इनपुट स्लॉट से अंदर की ओर जाता है और बदले में एक और नंबर बाहर आता है और वो नंबर कौन कैच करता है, फिर से यही आदमी कैच करता है। गौर से देखिए, अब आप समझ सकते होंगे जब मैंने दो दो इनपुट डाल दिए तो आप क्या बता सकते हैं कि अंदर के फंक्शन का रूल क्या है, या फिर ये बता सकते हैं क्या कि ये जो आदमी अंदर खड़ा है, जो स्टूडेंट है, उसने क्या माइंड में रूल सोच के रखा है कि जब इसने 4 डाला बदले में 12 आया, जब इसने 5 डाला बदले में 15 आया। तो आप क्या बता सकते हैं कि फंक्शन का रूल क्या है, रूल ऑफ फंक्शन या फंक्शन रूल। तो फंक्शन रूल आप देख सकते होंगे कि 4 का मल्टीपल जब 3 से किया जाए तो क्या मिलता है 12, और जब 5 का मल्टीप्लाई 3 से किया जाए तो क्या मिलता है 15। यानी कि इस बंदे ने अंदर क्या रूल डिफाइन किया था, मल्टीप्लाई बाय 3। इसने अपने मन में एक रूल सोच लिया था कि मैं उस नंबर से 3 का मल्टीप्लाई करूंगा जो भी ये नंबर मुझे भेजेगा। रैंडमली सिलेक्ट किया इसने रैंडमली सिलेक्ट किया, इसने मन से अपने एक रूल डिफाइन किया, जब ये दोनों आपस में मिल गए तो बदले में क्या आ गया, एक आउटपुट बाहर आ गया। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि फंक्शन क्या है, आइए देखते हैं। मान लीजिए यहां पे एक मैं मशीन बना रहा हूं, ये वो वाली मशीन है जिसमें से जूस की बोतल बाहर आती है, कैंस बाहर आते हैं ना, जो कोको कोला जैसी मशीन, ये मैंने यहाँ पे बना दिया आउटपुट स्लॉट, यहाँ से ये बाहर आएगी चीजें, ठीक है ना। यहाँ पे एक ऐसे कंप्यूटराइज बना दिया है जहाँ पे बटन्स बने हुए हैं, ये बटन बना हुआ है किसके लिए, स्नैक्स के लिए बना, स्नैक्स बाहर आएंगे। यहाँ पे एक और बटन बना हुआ है यानी कि कोको कोला आएगा, ठीक है ना। ये एक मशीन है प्रॉपर, आप देख सकते हैं स्नैक्स और कोको कोला की मशीन है। यहाँ पे एक आदमी आता है और यहाँ पे पैसे डालने का है, कॉइन्स, यहाँ पे कॉइन्स डालने के लिए है, मनी, ठीक है। अब देखिए ये आदमी आता है और इसको अब जो भी चाहिए इस मशीन से, मान लीजिए इसे स्नैक्स चाहिए या फिर इसे कोको कोला चाहिए या जो भी चाहिए, ये पहले क्या करेगा कि यहाँ पे क्या डालेगा, कॉइन डालेगा जितने रुपए की वो चीज़ होगी, और उस पर्टिकुलर बटन को दबाएगा, उस स्पेसिफिक बटन को दबाएगा जो इसे चाहिए होगा, और बदले में एक आउटपुट जो इसने मांगा था इस मशीन से वो इसे बाहर दे देगा। मान लीजिए इसने क्या मांग लिया हो, कोका कोला या कोक मांग लिया हो। तो अब यहाँ पे आप बता सकते हैं क्या कि फंक्शन क्या है, फंक्शन का इनपुट क्या है, फंक्शन का आउटपुट क्या है, फंक्शन का रूल क्या है। तो गौर से देखिए बच्चों, बहुत ही ईजी है। इस मशीन का, इस फंक्शन का जो रूल है वो है मनी, वो क्या है, मनी,
किस तरह की मनी जो ये इसमें डाल रहा है, ये फंक्शन का रूल है। अब वो मनी किसके ऊपर ऑपरेट कर रही है, किसके ऊपर ऑपरेट कर रही है, तो मनी ऑपरेट कर रही है इन बटन्स के आधार पे। इसने जब स्नैक्स का बटन दबाया तो स्नैक जितने भी रुपए का था इसने उतनी मनी पहले ही डाल दी थी, वो दोनों मिलके ही उसने इसको बदले में क्या दे दिया, आउटपुट। यानी कि यदि रूल मनी है तो इनपुट क्या होगा, इनपुट होगा वो मनी और वो स्पेसिफिक बटन जो इसने दबाया था उस प्रोडक्ट को पाने के लिए स्पेसिफिक बटन, ये क्या हो गया, इनपुट हो गया। तो आउटपुट क्या हो गया, जो इसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिल गया, प्रोडक्ट बोल लो या फिर आइटम्स बोल लो, ठीक है ना। तो ये था मशीन। अब आइए देखते हैं मशीन को, आपने समझा, बड़े गौर से समझा एग्जांपल्स के साथ, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो मैथ्स में क्या है, ठीक है, आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि मैथमेटिक्स में फंक्शन का डेफिनेशन कैसे डिफाइन होता है। तो देखिए फंक्शंस की डेफिनेशन, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कुछ मिसिंग है, हाँ बिल्कुल मिसिंग है, देखिए मैं क्या बना रहा हूँ। मान लीजिए एक सेट x है और एक सेट y है, तो जो फंक्शन f है कहाँ से कहाँ तक, x से y में, इस f को ही मैं क्या कहूँगा, इस सेट टू बी अ फंक्शन If for all, ध्यान से रखिएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ for all को underline कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ बताऊंगा। For all x in x, यानी कि सारे x के एलिमेंट, there exist को ऐसे भी लिखा जा सकता है, unique y in capital Y such that f of x is equals to y। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए एक सेट x है, इसी डेफिनेशन को मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली बना रहा हूँ, एक सेट x है और एक सेट y है, इस सेट x और y के बीच में एक ऑपरेशन डिफाइन हुआ, एक मैपिंग डिफाइन हुआ, वो क्या है f, वो क्या है f। अब मान लीजिए इस सेट x में एलिमेंट्स हैं a b c एंड d, और इस सेट y में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब मान लीजिए a की इमेज बनती है 2 के साथ, b की इमेज बनती है 3 के साथ, c की इमेज बनती है 4 के साथ, और D की इमेज बनती है 1 के साथ। अब हमें बताना है क्या ये जो हमने दो सेट्स के बीच में जो F डिफाइन किया है, क्या ये पर्टिकुलर एक फंक्शन है, क्या ये फंक्शन हम इसे बोल सकते हैं कि ये फंक्शन है। तो गौर से देखिए, जो मैंने एक शब्द में यहां अंडरलाइन किया और एक और शब्द अंडरलाइन कर रहा हूं, यूनिक। अब गौर से देखिए, फॉर ऑल एक्स इन एक्स, जितने भी ये जितने भी एलिमेंट्स है ना, इनको मैंने इकट्ठा क्या बोल दिया है, एक्स, ए बी सी डी, इन सबको मैंने क्या बोल दिया है, एक्स। For all x in x, there exists a unique y. ये सारे क्या हैं? y. y में इनके प्रति कोई ना कोई इमेज होगी, जैसे कि अब आइए देखते हैं कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। देखिए पहली कंडीशन ये कि पहले वाले सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। तो बताइए a की इमेज कौन है, a की इमेज कौन है, वो है क्या, 2। B की इमेज कौन है, आप जानते हैं 3। C की इमेज कौन है, 4। और D की इमेज कौन है, 1। ठीक है ना, यानी कि इस सेट X के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कोई ना कोई इमेज है, हाँ है, मतलब फॉर ऑल सभी के लिए है इमेज। अब आइए बात क्या हो रही है, यूनिक की। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आइए दूसरी कंडीशन देखें, इमेज कैसी होनी चाहिए, यूनिक। यूनिक का मतलब होता है सिंगल, यानी कि एक लौती। तो देखिए जो ए की इमेज थी, ए की इमेज कौन थी, 2, सिंगल इमेज है क्या, ए की दो इमेज हैं क्या, दो नहीं है ना, एक ही है। अब देखिए बी की कौन सी इमेज है, 3, सी की कौन सी इमेज है, 4, और डी की कौन सी इमेज है, 1, एक लौती इमेज है। देखिए पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो चुकी थी हमारी कि सभी एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए दूसरे वाले सेट में, और जो इमेज होनी चाहिए वो सिंगल होनी चाहिए, मतलब कि बेसिकली ये क्या दिया हुआ है, फंक्शन। और एक और तरीके से मैं आपको बताता हूं कि यदि ये फंक्शन है तो बताइए फंक्शन कौन सा नहीं होगा। देखिए ये वाला तो फंक्शन हो चुका है, गौर से देखिए मैं फिर से यही वाले नंबर्स ले रहा हूं, ए बी सी डी, और एक और नंबर फिर से यही वाले 1 2 3 4 5। ए की इमेज बना दी 2, ए की इमेज बना दी 3, बी की बना दी 1, सी की बना दी 4, और डी की बना दी 5। अब मैं आपसे पूछूंगा, जैसे इस तरीके को हमने दो कंडीशन से सेटिस्फाई किया था कि पहले वाले सेट की सबकी इमेज होनी चाहिए जितने भी एलिमेंट्स हैं, और वो इमेज कैसी होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। आइए देखते हैं पहली कंडीशन, यहां पे मैं कंडीशन लिख रहा हूं, फर्स्ट ए की इमेज क्या हो रही है, 2,
ए की इमेज क्या है, टू है, लेकिन देखिए ए की एक और इमेज है कौन, थ्री, एक और इमेज क्या है, थ्री। बी की इमेज क्या है, बी की इमेज है वन, सी की इमेज क्या है फोर, और डी की इमेज क्या है फाइव, ठीक है ना। मतलब सभी एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज है, हाँ बिल्कुल है, पहली कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, सबकी इमेज है। अभी हम ये नहीं देख रहे हैं कि कितनी इमेजेस हैं, अभी हम क्या देख रहे हैं कि सबकी इमेज है, ए की भी इमेज है भले वो दो ही क्यों ना हो, बी की भी है, सी की भी है और डी की भी है। दूसरी कंडीशन, इमेज कैसी होनी चाहिए, यूनिक यानी कि सिंगल। आप यहाँ पे ही पहले ही देख लेंगे कि हाँ ए की दो इमेजेस हो रही हैं, एक इमेज टू हो रही है और एक इमेज थ्री हो रही है, इसलिए फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि पहले वाले सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी एक ही इमेज होगी, और वो इमेज कैसी होगी, सिंगल होगी, यूनिक होगी, दो इमेजेस नहीं हो सकती। ये तो वही बात हो गई कि एक आदमी खड़ा है और उसकी दो दो परछाई निकल रही है, तो ये बात कभी पॉसिबल नहीं हो सकती। हाँ लेकिन दो आदमी आजू बाजू खड़े हैं और सूरज की रोशनी पड़ रही है तो उन दोनों की इमेज आपस में मिल सकती है, उन दोनों की शेडो आपस में मिल सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, एक लौते आदमी की दो इमेजेस, दो परछाइयां नहीं हो सकती, इसलिए फंक्शन नहीं है, जबकि ये फंक्शन था, ठीक है ना। एक और मैं आपको बात बता दूं, इसी में बता देता हूं, पूरा ही मिटा देते हैं। देखिए फिर से वही सेट बना रहा हूं मैं, ए बी सी डी, और फिर से यहां पे वही नंबर्स 1 2 3 4 5। इस बार देखिए ए की इमेज 1, बी की इमेज 2, सी की इमेज 4, क्या आप बोल सकते हैं कि ये फंक्शन है? तो गौर से देखिए, हमें फिर से वही कंडीशन, ए की इमेज 1 है, ठीक है एक इमेज है, बी की इमेज 2 है, हाँ है, सी की इमेज है, हाँ है, कौन 4, लेकिन गौर से देखिए डी की इमेज है क्या, नहीं है, मतलब ये भी फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि पहली वाली कंडीशन के हिसाब से पहले वाले सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी इमेज होनी चाहिए, यहाँ पे एक एलिमेंट बच गया, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है, इसने तो पहली कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं किया। तो ये है फंक्शंस के रूल, ये है फंक्शंस की डेफिनेशन। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि इन सभी कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से देखिए, और यदि नहीं समझ में आया तो फिर से दोबारा रिवीजन करिए इस वीडियो को, ताकि आप समझ पाएँ कि बेसिकली फंक्शन क्या है। अगले पार्ट में मैं लाऊंगा कि फंक्शंस किस किस तरह के होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, ख़त्म करते हैं, थैंक यू।